मैं क्या बोलूं? हाँ मेरी बात सुनोगी तो कुछ बोलूंगा ना। रात से पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूं मैं, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही मेरा? देखो जुहेब, हम अभी बात कर रहे हैं, मैं मरने गई हूं जो इतना ड्रामा खड़ा कर रहे हो। राइट सना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मुझसे पूछो मेरा क्या हाल हो रहा है अभी। तुम्हारी इन बिला वजह की बातों से सोचो मेरा क्या हाल होता है। तुमने मुझे दिमागी मरीज बना दिया जुहेब। व्हाट? मैंने? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है सना, तुम्हारी वजह से। ये चेंज सना, तुम चेंज हो चुकी हो। अब तुम मुझे अवॉइड भी कर रही हो और मुझसे बात करना भी नहीं चाहती हो। देखो जुहेब, मेरे पास जिंदगी में और बहुत से काम है, तुम्हारे इन फजूल से सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं। फजूल के सवाल? सना पहले तो तुम्हें मेरी बातें फजूल नहीं लगती थी, याद है तुम्हें कहती थी ये? देखो जुहेब, मैंने जो कुछ भी कहा वो पत्थर की लकीर तो था। तुमने भी तो बहुत सी बातें बोली थी जिनको अगर देखा जाए तो तुम भी बहुत चेंज हो गए। मैं चेंज हुआ? अच्छा जरा मुझे बताना तो कि तुमने मुझ में क्या चेंजेस देखे हैं? I just don't want to talk about all this. I see. अब तुम्हें मुझसे बातें करते हुए उलझन महसूस होती है। हाँ जहीर, क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इन सवालों से और अब मैं इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। तुम्हें तो सुकून मिल जाएगा, कभी सोचा कि मेरा क्या होगा? I don't know जहीर, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन प्लीज मुझे अजियत देना बंद कर दो। अजियत? सना अजियत तुम दे रही हो मुझे पल पल। मैं फोन रख रही हूँ जुहेब। सना तुम फोन नहीं रखोगी, मेरी बात। बाय जुहेब। Excuse me. जी? Can I help you? वो पता नहीं गाड़ी खराब हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है।
अब आप जरा गाड़ी में बैठिएगा, जब मैं कहूँ ना सेल्फ मारे तो प्लीज सेल्फ कीजिए जी। बैटरी का टर्मिनल लूज है, डाइट कर दिया, अब गाड़ी आपको परेशान नहीं करेगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आपने मेरी गाड़ी ठीक कर दी। नहीं जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। खास नहीं, बस ऐसी गई थी काम से। रेहान से मिलने? तुम और तुम्हारी सोच। Whatever Zuhaib, bye. सना अरे इतनी जल्दी आ गई? कुछ नहीं यार, आज तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तुम बताओ क्या किया सारा दिन आज? कुछ खास नहीं, बस ऐसी गई थी काम से। रेहान से मिलने? नहीं, ऐसी कुछ बुक्स वगैरह लेने गई थी। क्या हुआ, तुम्हारे और रेहान के बीच कोई बात हुई? नहीं कुछ नहीं, बस हमारी बात ही नहीं हो पाती, उसके पास टाइम ही नहीं है मुझसे बात करने का। क्यों, क्या कहा उसने? कुछ कहता नहीं, यही तो मसला है सारा। जब भी कॉल करती हूँ कहता है बिजी है, बाद में बात करेंगे, और फिर कॉल ही नहीं करता। फिर मैं भी उसको बिला वजह नहीं तंग करना चाहती ऐसा। बिला वजह? क्या ये वजह ठीक नहीं कि वो तुम्हें अवॉइड कर रहा है? नहीं नहीं यार, शायद वो वाकई बिजी है अपने काम में, और फिर तुम्हें तो पता है हाउ ही इज़, काम काम और मजीद काम। कहता है वो बहुत कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में। वो सब तो ठीक है, लेकिन सना तुम भी तो उसकी लाइफ हो। काम तो ज़िंदगी में चलता रहता है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो उन लोगों को भूल जाए जो उसके करीब हों। पता नहीं मरियम, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। आई होप वक्त सब ठीक कर देगा। अगर तुम बोलो तो मैं बात करूं? नहीं रहने दो, आई होप वो खुद रियलाइज कर लेगा। और अगर उसने ना किया तो? अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सेम ओल्ड बोरिंग वर्क यार, कुछ खास नहीं। ना फोन उठाओ। सना फोन उठाओ।
क्या परेशानी हो गई है तुमको? मेरी परेशानी की वजह यह है कि तुम मुझे लगातार अवॉइड कर रही हो। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त करती रहूं? मेरा रवैया? तुमने अपना रवैया देखा है? ये सब तुम्हारा अपना किया धरा है जोहे। खुदा के वास्ते मुझे इस तरह परेशान करना बंद करो। क्या सनम, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं? अरे परेशान तो तुम मुझे कर रही हो कई दिनों से। हाँ तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्या कहा, छोड़ क्यों नहीं देता तुम्हें? हाँ वैसे भी मेरे छोड़ने से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारा तो बहुत बड़ा सर्कल है ना। You know what? You are disgusting. मैं नहीं, तुम और तुम्हारी सोच। Whatever Zuhaib, bye. सना अब हर कोई तुम्हारे प्यारे सुहेल की तरह तो नहीं हो सकता ना। नहीं यार, बहुत अच्छा है एंड आई लव हिम यार। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मानो कुछ कंट्रोल करना सीखो मुझसे। तुमसे नहीं जी, थैंक यू। मतलब ये कि वो जब भी तुम्हें बुलाए तुम भागी भागी पहुंच जाती हो, उसे जब भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है तुम होती हो, लेकिन कहाँ होता है तुम्हारा रेहान जब तुम्हें उसकी ज़रूरत होती है? देखो मरियम, यहाँ बात ज़रूरतों की नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझने की है। सना तुम बहुत अच्छी हो, तुम इस जमाने में रहते हुए भी इतने पुराने ख्यालात की लड़की हो। अच्छा जी, और कुछ कहना है आपने मुझे? अब हर कोई तुम्हारे प्यारे सुहेल की तरह तो नहीं हो सकता ना। नहीं यार, बहुत अच्छा है एंड आई लव हिम यार। इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी मानो कुछ कंट्रोल करना सीखो मुझसे। तुमसे नहीं जी, थैंक यू। जो ये बचा कुचा रिश्ता है ना हमारे बीच में, वो भी टूट जाएगा। भाई तुम्हारी मर्जी, देखते हैं यार, पता नहीं क्या होता है।
तुम्हें कब से तंग किया जा रहा हूँ। लेकिन देखो मैं सना, देखो अब आप जैसा कहोगे ना मैं वैसे ही करूंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज मुझे तकलीफ मत दो सना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। चुप हो जाओ और मेरी बात गौर से सुनो। ये क्या मजाक लगाए रखा है तुमने इतनी देर से? बोले जा रहे हो, किसी की सुनते ही नहीं। सना आप कौन हो? आप मेरा नाम ले रहे हैं और फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कौन? I'm so sorry. वो क्या है ना कि मेरी गर्लफ्रेंड का नाम भी सना है, तो क्या उसका नंबर भी यही है? अब देखिए प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, जो नंबर मैंने डायल किया था वो एक नंबर की गलती है उसमें। मेरी सना का नंबर है 0333-210-9662। तो मैंने गलती से 0333-210-9665 दबा दिया। देखिए आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, एक नंबर की गलती से सब कुछ हुआ है, प्लीज। इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि आपके पास अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर ही सेव ना? नंबर था उसका मेरे पास, वो क्या है ना कि गुस्से में आके मैंने वो नंबर डिलीट कर दिया था और एक नंबर की गलती से ही सब कुछ हुआ। देखिए प्लीज मुझे आप बिल्कुल गलत मत समझिएगा, एंड आई एम सॉरी, ये सब कुछ हुआ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। इट्स ऑल राइट। बाय द वे, ऐसा क्या हुआ है जो आप इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? एक्चुअली बात दरअसल ये है कि मैं काफ़ी दिनों से उससे लड़ाई कर रहा हूँ और वो गुस्से में आके फ़ोन नहीं रिसीव कर रही है मेरा। खैर आई होप द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू। बाय द वे, क्या आपका नाम भी सना है? जी, लेकिन आपकी गर्लफ्रेंड सना नहीं। आई नो कि आप मेरी गर्लफ्रेंड सना नहीं हो। सना अगेन सॉरी, मतलब एक्सट्रीमली सॉरी इस सब के लिए। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, बाय। स्ट्रेंज। यार अपनी हालत देखी तूने? मजनू लग रहा तू। क्यों, मेरी हालत तो क्या हुआ? अब यार हमसे क्या छुपाना, सना ने तुझे फिर परेशान किया होगा, am I right? उसके बारे में बात मत कर तो ज्यादा बेहतर है। क्यों ना करूं, अपनी हालत देख तू, तुझे दिमागी मरीज बना देगी इस तरह। बना देगी क्या यार, बना तो दिया है। यार तू मेरी बात मान, ये सब छोड़, एक अदद अच्छी सी लड़की ढूंढ जो तुझे समझ सके। सना इज अ सोशल बटरफ्लाई, उसे तुझसे ज्यादा दुनिया की परवाह है। तू एक ऐसी लड़की ढूंढ जो तेरा ख्याल रखे और तू उसका। जिम्मे मेरे बस में होता तो कब का छोड़ चुका होता उसे, प्यार करता हूं उससे मैं, नहीं छोड़ पा रहा हूं। और वो चलो सना का फोन आ रहा है। तो परेशान की बात करना उससे यार, कर कॉल उसको, फिर दोबारा में चलता हूँ। हेलो सुहेब। सॉरी यार छोड़, सब ठीक हो जाएगा यार, छोड़, कम ऑन मैन, बी स्ट्रॉन्ग, मत रहो यार। कुछ नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा।
सना का फोन आ रहा है। तो परेशान क्यों बात करना उससे यार, कर कॉल उसको, कर तो बाद में चलता हूँ। हेलो सुहेब, कोई तमाशा मत करना और जो मैं कह रही हूँ बड़े आराम से सुन। I'm sorry, सना। पता नहीं यार मुझे क्या हो जाता है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। I've already made my decision and I just called to say goodbye. सना तुम ऐसे नहीं कर सकती। मैं जो चाहे कर सकती हूँ और अब तुम्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। जो करना है कर लो। सना तुम ऐसे नहीं कर सकती हो मेरे साथ यार। सिर्फ एक बार मिलो प्लीज, सिर्फ एक बार। हेलो सना, हेलो दीदी, कितनी बार गए देखे खड़ा कर। सॉरी यार, छोड़, सब ठीक हो जाएगा आज। छोड़, कम ऑन मैन, बी स्ट्रॉन्ग, मत रो यार। कुछ नहीं होगा यार, कुछ भी नहीं होगा, छोड़कर चली गई है मुझे, छोड़कर चली गई है वो। मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक, कहाँ हो? मैं दरअसल एक क्लाइंट से
बिजनेस डील करने आया हुआ हूँ। हेलो हेलो रेहान, कैसे हो तुम? एक्सक्यूज मी, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक, कहाँ हो? मैं दरअसल एक क्लाइंट से बिजनेस डील करने आया हुआ हूँ। ओह, बहुत काम हो रहा है आजकल? हाँ, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। तुम्हारा क्लाइंट मेल है या फीमेल? ये कैसा सवाल है? कुछ नहीं, बस ऐसे। मेल है, कोई शक? और इन्हीं क्लाइंट्स की वजह से हम मिल नहीं पा रहे? सना प्लीज, ये कैसी बातें कर रही हो? रेहान, डू यू लव मी? ये क्या हो गया है तुम्हें? रेहान, मेरे सवाल का जवाब दो, डू यू लव मी? यस आई डू। एक दफा और कहो। क्या कहूं? That you love me. Okay, listen, honey. तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। Okay? अभी बात करो मुझसे। मैंने कहा ना तुम घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम कहाँ हो अभी? सामने देखो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ और तुम्हारा ये ख्वाब मैं पूरा करूँगा।
तुम कहाँ हो अभी? सामने देखो, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ और तुम्हारा ये ख्वाब मैं पूरा करूँगा। हम मैं गलती पर नहीं हूं, आपका नाम सना है, am I right? Right? पर आपकी गर्लफ्रेंड सना नहीं। I know. कि आप सना नहीं है।
आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। क्या मैं आपसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हूँ? हेलो 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 कौन कौन बात कर रहा है? जी मेरा नाम सुहेब है। सुहेब सुबह हमारी बात हुई थी, शायद आपको याद हो। सुबह ओ ओ ओ या यू आर राइट। तो बोले सुहेब, अब क्या बात है? अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, आपका नाम सना है, am I right? Right. पर आपकी गर्लफ्रेंड सना नहीं। I know. इसका मतलब है कि हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं ना? मेरे ख्याल में हम अभी बात कर ही रहे हैं। जी राइट। अब देखिए, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। कैसा नहीं करते? यही कि मैंने आज तक किसी को कॉल करके तंग नहीं किया। तो क्या मैंने आपसे कहा है कि आप मुझे तंग कर रहे हैं? हाँ आपने कहा तो नहीं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। लिसन जुहेब, इतने सवाल करने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम फाइन विद इट। आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा सना, मुझे बताओ कि क्या करते हो आप? मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। And I'm a freelance worker as well. Oh, great. Studies. Studies में क्या कर रहे हो आप? अपना MBA complete कर रही हूँ, marketing में।
ओके ओके ओके, और फ्रीलांस? एक्चुअली आई एम अ रिसर्च राइटर, थोड़ा बहुत राइटिंग भी कर लेती हूँ। राइटर? वाओ दैट्स ग्रेट। यू नो व्हाट, मैं भी चाहता था कि मैं एक बहुत बड़ा राइटर बनूं। हाय, लेकिन किस्मत, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में राइटर बन सकूं। क्यों? एक्चुअली आई वर्क फॉर अ मल्टीनेशनल किस्म की जॉब है यार, लेकिन क्या करूं, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? चलो, मैं चाहता हूं कि मैं ट्रैवलर बन जाऊं, सारी दुनिया घूमूं। क्या मुश्किल क्या है इसमें? अब ऐसा भी नहीं है, जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। Yeah, you're right. अच्छा और बुरा तो उसको छीने वाले बनाते। अच्छा, खैर ये बताओ कि जब हमारी सुबह बात हुई थी तो काफी परेशान थे। I think कोई आपकी गर्लफ्रेंड से झगड़ा वगैरह था, क्या हुआ, कोई बात बनी? हाँ, हुई थी बात, हमारा ब्रेकअप हो गया। आई एम सॉरी। अच्छा, आई थिंक इट्स क्वाइट लेट नाउ, तो हम नो प्रॉब्लम। सना, क्या मैं आपको कभी कॉल कर सकता हूँ? ओके, आई डोंट माइंड। अच्छा तो फिर मैं बाद में बात। इस सब की अब आदत सी हो गई है। सना, रेहान ने जो बात मुझे बताई है, क्यों किया है तुमने सना के साथ ऐसे? क्या मिला तुम्हें? हाँ तानिया, तुम इस बात को रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सना की वजह से जिस कंडीशन से मुझे गुजरना पड़ रहा था ना, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। ऐसा क्या कर दिया उसने? वो तो तुमसे इतना प्यार करती थी। प्यार? बस रहने दो इस बात को,
रहने दो। नहीं रेहान, मुझे बताओ कि सना ने क्या किया है, ये उसकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, तुम सुनना चाहती हो ना, तो सुनो। मैं बाकी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसको कोई बीमारी थी, मैं उसके साथ कैसे रहूं? क्या मैं अपना कैरियर नहीं देखूं? क्या मेरे कोई ख्वाब नहीं है? बस उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूं। तुम्हें पाकर ऐसा लगता है जैसे इस दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई हों। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। ये जो मोहब्बत है ना, ये एक नशा है जो नस नस में खुशी की लहरें दौड़ा देता है। मैं आज रेहान से मिली थी। क्यों, तुम क्यों मिली थी उससे? क्योंकि सना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मरियम, मुझे इस सब की अब आदत सी हो गई है। सना,
रेहान ने जो बात मुझे बताई है क्या वो सच है? मगर मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तुमने मुझे भी नहीं बताई। इसमें कुछ बताने वाली बात थी नहीं, और ये मेरी लाइफ है और मैं उसको हैंडल करना जानती हूँ। लेकिन सना और शायद रेहान ने जो किया वो ठीक किया, उसे अपनी जिंदगी के बारे में भी तो सोचना था ना। और सना तुम मरियम, मैं ठीक हूँ इस तरह। शायद अभी कुछ जहन में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। अच्छा सना, क्या हम मिल सकते हैं कभी? इफ यू डोंट माइंड। शतरंज में आप चैंपियन हैं, हॉकी में आप चैंपियन हैं, मेरे ख्याल से खाने में आप चैंपियन हैं, पीने में आप चैंपियन हैं, लेटने में आप चैंपियन हैं, भागने में आप चैंपियन हैं, हर चीज में चैंपियन ही चैंपियन हैं आप। अरे बस कर दे भाई, रोहित भाई ये चीजें गिना गिना के ना आप थक जाएंगे। आपको पता नहीं है मैं अंडरवर्ल्ड चैंपियन ऑल ऑफ द गेम्स हूँ। क्या सुहेब, इज इट पॉसिबल कि हम मिल सकते हैं अभी? अभी अगर बिजी हो तो कोई मसला नहीं? नहीं नहीं, आई एम फ्री। कहाँ पर मिलना है? फ्लोरेंस पार्क में। ओके, मैं बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। ओके प्यार जो है यार, कह दो उसको, उसे दिल में मत रखा करो। जैसे आई लव दिस कन्वर्सेशन, और जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि आई लव यू सना। देखो मुझे प्लीज़ गलत मत समझना, जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया, जो मुझे महसूस हुआ वो मैंने कह दिया।